हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 9th क्लास की इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। हमने इस वीडियो के इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम इसके लास्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं और बाकी हमने उसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर किया। लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन, ह्यूमन कैपिटल एंड कैपिटल क्या है, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, फिक्स लैंड क्या होती है, एक पालमपुर जो है वो किस टाइप का गांव है, क्या वो रियल में एग्जिस्ट करता है या रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, इन सारे के क्वेश्चन के आंसर आपको मेरी इस वीडियो में मिल जाएंगे अगर आप इसको देखोगे तो। ओके, तो चलिए आज हम इसमें एक नया टॉपिक करने वाले हैं। नया टॉपिक क्या है, क्या प्राइमरी सेक्टर के अलावा भी कोई सेक्टर है जिसमें लोग एज अ वर्कर काम कर सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर होता है हमारा जो फार्मिंग मेथड होता है। तो जो विलेज पालमपुर है, पालमपुर एक ऐसा विलेज है जिसमें 75% के जो करीब लोग हैं वो सारे के सारे ज़्यादातर किस में लगे हुए हैं, फार्मिंग में लगे हुए हैं। अब क्या फार्मिंग के थ्रू उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या उनको उसके अलावा भी किसी सेक्टर में जाने की ज़रूरत है, तो बाकी हम यही पढ़ेंगे कि पालमपुर में अभी तक जो हमने कॉल किया उसमें ये था कि सारे के सारे जो लोग थे 75% के करीब के जो पीपल थे वो किस में इन्वॉल्व थे, फार्मिंग में इन्वॉल्व थे। अब जो 25% पेपर बचे वो किसमें इन्वॉल्व है उसको हम आज इस वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बाकी के लोग हमारे जो इन्वॉल्व हैं वो किस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, क्या वो भी फार्मिंग से ही रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं या उनका कोई डिफरेंट वर्क है। तो चलिए समझते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। देखो वो थी फार्मिंग एक्टिविटी, 75% किसमें लगे थे, फार्मिंग एक्टिविटी में। और ये क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, जिसमें लोग फार्मिंग में नहीं काम कर रहे उसके अलावा जो चीजें हैं उनके अंदर में काम कर रहे। देखो मेन सोर्स होता है आपको इनकम अर्न करना, पैसा कमाना, फार्मिंग से हो या नॉन फार्मिंग एक्टिविटी से हो, मेन है कि आपके पास एक इनकम सोर्स होना चाहिए। अब जैसे इसमें है डेयरी फार्मिंग क्या होता है, डेयरी फार्मिंग होता है, देखो इस टाइप से डेयरी फार्मिंग क्या होता है, जिसमें दूध को एक से दूसरी जगह बेचना, उसके लिए आपको कैटल्स को रखना पड़ता है जिनके दूध को आप मार्केट में जाकर सेल कर सकते हो। देखो ये भी एक इनकम का सोर्स है, जरूरी नहीं है आप एग्रीकल्चर या फार्मिंग के फार्मिंग में लगकर ही अपनी इनकम को अर्न कर सको, उसके अलावा भी दूसरे मेथड हो सकते हैं। जैसे इसमें है डेयरी, डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। फार्मिंग के बाद में जो दूसरी चीज थी लोगों के पास में वो थी डेयरी। डेयरी फार्मिंग एक ऐसी कॉमन चीज थी जो पालमपुर में फार्मिंग के बाद में बहुत सारे लोगों के घरों में की जा रही थी, मैनी फैमिलीज इन पालमपुर में। ये कॉमन एक्टिविटीज थी जो किसके बाद में हो रही थी, फार्मिंग के बाद में हो रही थी। पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रास, ज्वार एंड बाजरा। लोग अपनी बफेलोज को डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें फीड करा रहे थे जिसकी वजह से जो उनका मिल्क था वो ज्यादा आए और अच्छी क्वालिटी का आए, जिससे कि लोग उसको ज़्यादा बाय करें और जितना ज़्यादा वो उस मिल्क को सेल करेंगे उनकी इनकम उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और उसके लिए मेन होता है कि आप अपने कैटल्स को किस टाइप का फूड फीड करा रहे हो जिसकी वजह से उनका जो मिल्क होगा वो अच्छी क्वालिटी का आएगा। तो यहाँ लोग क्या खिला रहे हैं, ग्रास, ज्वार एंड बाजरा, जिससे कि उनका जो मिल्क है वो अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छा गाढ़ा दूध हो जो मार्केट में वो सेल कर पाए। जितना अच्छा दूध होगा विदाउट वाटर उतना ही अच्छा लोग उसको खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे और जितने ज़्यादा लोग खरीदेंगे उतनी ही आपकी इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज द नियर बाय विलेज। और ये जो मिल्क था ये ना ही सिर्फ पालमपुर तक ही सीमित था, लिमिटेड था, बल्कि ये रायगंज तक भी जाता था। जो पालमपुर के डेयरी मिल्क था वो कहाँ तक जाता था, रायगंज और शाहपुरा टाउन तक भी भेजा जाता था, वहाँ के लोग भी इसको खरीदते थे। अब इतनी दूर तक जा रहा है तो इसका तो सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि लोग उसको खरीद रहे हैं, तो पालमपुर के जो कैटल्स का मिल्क था वो एक अच्छी क्वालिटी का मिल्क था। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज फ्रॉम वेयर मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड फॉर टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज। अब यहाँ पर दो ट्रेडर्स रहते थे जो रायगंज और पालमपुर से रायगंज और शाहपुरा तक मिल्क को पहुँचाते थे, दो थे, दोनों साइड दूध पहुँचाते थे, डेयरी बनाई गई थी। और उसके बाद जो लोकल वो थे सेलर थे वो उसको लेकर जाते थे, लाइक मान लो
ये रायगंज का एक मेन स्पोर्ट्स हो गया, ये शाहपुरा का मेन स्पोर्ट्स हो गया, और ये है पालमपुर। यहां से बिल्कुल यहां पहुंचा के स्टॉप कर दिया गया, यहां से यहां स्टॉप कर दिया गया। अब यहां से इसको आगे टाउन्स में पहुंचाया जा रहा है, आगे गांव में यहां से पहुंचाया जा रहा है। शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन, यहां पर दूध को कलेक्ट किया जाता था इन स्पोर्ट्स पे, और इसके बाद ये एक मेन सेंटर थे उन मिल्क को कलेक्ट करने का। उसके बाद रायगंज में आगे फ्रॉम वेयर जो अंदर गांव बचा वहां तक इसको पहुंचाया जाता था। तो ये थी डेयरी फार्मिंग जो पालमपुर के अंदर में की जा रही थी। मतलब ये चीजें, ये भी आपका प्राइमरी सेक्टर में ही आता है, बट ये फार्मिंग से डिफरेंट मेथड होता है। जरूरी नहीं है कि सब फार्मिंग मेथड में। देखो प्राइमरी सेक्टर में आपका फार्मिंग आती है, डेयरी आता है, फिशिंग एक्टिविटी आती है, माइनिंग एक्टिविटी आती है, जिसमें हम डायरेक्ट किसी वर्क से जुड़े होते हैं, वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी होती है। तो पालमपुर के बहुत सारे लोग किसमें लगे हुए थे, डेयरी फार्मिंग में लगे हुए थे। ओके और जो पालमपुर का जो मिल्क था वो कहाँ तक, रायगंज और शाहपुरा विलेज तक भी जा रहा था, और सिटीज और अदर सिटीज तक भी भेजा जा रहा था। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। और पालमपुर में डेयरी के अलावा भी कुछ काम किए जाते थे, कुछ चीजों को मैन्युफैक्चर किया जाता था, बट छोटे स्मॉल लेवल पर, बहुत ज्यादा स्मॉल स्केल, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल बिजनेस नहीं था, स्मॉल स्केल बिजनेस था। छोटी छोटी चीजें बनाई जाती थी जिनको मार्केट में सेल करने के लिए भेजा जाता था। तो कुछ लोग छोटी छोटी चीजों को बनाकर भी इसको मार्केट में सेल करते, लाइक माचिस बनाना, बच्चों के लिए बलून्स को पैक करके उनको मार्केट में भेजना, तो इस टाइप से छोटे छोटे काम वहां पर किए जा रहे थे। कोई लार्ज स्केल बिजनेस नहीं था बट छोटे छोटे थे। लेस देन 50 पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। और इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कितने लोग लगे थे, सिर्फ 50 पीपल। मतलब स्मॉल स्केल बिजनेस है, सिर्फ 50 लोग लगे हैं। लाइक कोई झाड़ू बना रहा है, कोई छोटे किसी सिलने या बिनने का काम कर रहा है, तो ये एक स्मॉल स्केल बिजनेस हो गया जिसमें सिर्फ 50 पीपल्स लगे थे। फैमिलीज नहीं, पीपल्स इंगेज थे इस स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स एंड इज डन ऑन अ स्मॉल स्केल। और इस बिजनेस को सिंपली प्रोडक्शन किया जाता, किसी बड़ी चीज को नहीं, छोटी छोटी चीजों को ही बनाया जा रहा था जो स्मॉल स्केल था। मैन्युफैक्चरिंग इज कैरिड आउट मेनली एट होम और इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ ए फैमिली लेबर। और इस काम को आप घर में भी कर सकते हो या किसी बाहर बैठ के फील्ड में कर सकते हो, जैसे दो चार वर्कर मिलकर कर रहे हैं, या हर फैमिली में ले आते, जैसे कढ़ाई करना, सितारे लगाना, ये छोटे छोटे काम थे जो काम फैमिली मेंबर मिलकर सारे लोग करते थे। धागा काटना, इस टाइप का काम भी मैन्युफैक्चर किया जा रहा था कहाँ पर, पालमपुर में। तो जो लोग उसमें डेयरी में नहीं लगे थे, एग्रीकल्चर में नहीं लगे, तो वो इस काम में इन्वॉल्व थे मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में। ओके नेक्स्ट है हमारा द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। और उसके अलावा भी कुछ काम था क्या, शॉपकीपर। अब सामान लेने के लिए आप डायरेक्ट किसी शाहपुर या रायगंज तो नहीं चले जाओगे, उसके लिए गांव में ही कुछ लोग थे जिन्होंने छोटी मोटी शॉप ओपन कर रखी थी। और उस छोटी मोटी शॉप पे आपको बहुत ज्यादा सामान नहीं मिलेगा, बट आपकी जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग सामान मिल जाता था। किसी को ज्यादा अमाउंट में या कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट चाहिए था तो उसको रायगंज या शाहपुरा जाना पड़ता था, बट आपको छोटे मोटे अगर सामान चाहिए तो वो आपको वहां पालमपुर की जो शॉप थी उन पे मिल जाता था। जैसे द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज। अब लोग क्या करते थे, जो होलसेलर होते थे वो सिटीज आते थे और वहां से बल्क में सामान उठाते थे, और बल्क में सामान उठाने के बाद उन्होंने पालमपुर में एक छोटी सी शॉप ओपन कर रखी थी। वो वहां से होलसेल रेट पर बल्क में सामान लेकर आते थे पालमपुर विलेज में, और उस गाँव से फिर वो अपने लोगों को उसको सेल कर देते थे गुड्स को। दे सेल अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट शॉप, टूथपेस्ट, नोटबुक, पेन, पेंसिल एंड क्लोथ। इस टाइप की चीजों को वो वहां पर सेल करते थे। रेंज ऑफ आइटम्स, ये सारी की सारी आइटम्स, इसके अलावा भी बहुत सारे आइटम्स होंगे जो वो वहाँ पर सेल कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। आपकी नीड के अकॉर्डिंग वो सारा सामान रखते थे जितनी की आपकी नीड है। अगर उसके अलावा आपको चाहिए तो आपको बाहर जाना पड़ता था, बट अपने अकॉर्डिंग अगर नीड के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत सामान चाहिए तो आपको वहाँ पर अवेलेबल होता था। अब आप इन सब
अब नोटबुक के लिए अब भाग कर रायगंज नहीं जाओगे, एक पेन लेने के लिए रायगंज नहीं जाओगे, इसलिए वो सारा सामान आपको कहीं मिल जाता था, उसी गांव के अंदर में मिल जाता था। Some people who have house close to the bus stand have used some space to open small shops and sales eatables. अब देखो कुछ लोगों का घर क्या था, वो बस स्टैंड के पास था, पालमपुर में बस स्टैंड भी था, जो वहां लोग उस बस स्टैंड पे बस जो रुकती थी वहां से आप रायगंज या शाहपुरा जा सकते थे। अब जिन लोगों का घर बस स्टैंड के पास में था उन्होंने छोटी छोटी शॉप ओपन कर रखी थी, जैसे किसी ने चाय की शॉप ओपन कर रखी है, किसी ने लाइक पकौड़े की शॉप ओपन कर रखी है, जो उस बस स्टैंड पर आए वो वहां से कुछ खा कर जाए। तो ईटेबल थिंग्स जो होते हैं इनकी शॉप ओपन कर रखी थी बस स्टैंड के पास में। लोग दूर से आ रहे हैं उतरेंगे तो कुछ मन किया खा लिया, किन्होंने कुछ लोगों ने कुछ फ्रूट्स की रेडी लगा के रखी हुई है, ठीक है, किसी ने बलून्स लगा के रखे हैं कि लोग उतरेंगे तो वहां से सामान लेकर जाएंगे ही जाएंगे। तो ये भी क्या था, ये भी इनका एक छोटा सा बिजनेस था, ये भी एक छोटी सी शॉप थी जो उन्होंने बस स्टैंड के पास लगा, क्योंकि ज्यादातर लोग कहाँ मिलेंगे उन्हें, बस स्टैंड के पास, लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, वहां पर उतर रहे हैं, बस का वेट कर रहे हैं, अब एक घंटे बाद की बस है तो जब तक चलो कुछ खा ही लो, तो इस टाइप से उनका भी बिजनेस चल रहा था। ये छोटी मोटी शॉप उन्होंने वहां पर ओपन कर रखी थी। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। पालमपुर में ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी था, ऐसा नहीं है, देखो पालमपुर एक वेल डेवलप्ड विलेज था तो इसलिए आपको सारी की सारी फैसिलिटी वहां पर देखने को मिलेंगी। जैसे देयर आर अ वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, आपको हर टाइप के व्हीकल वहां पर देखने को मिलेंगे जो कनेक्ट करते हैं किसे, पालमपुर टू रायगंज, आपको सारे व्हीकल देखने को मिलेंगे, बाइक, मोटरसाइकिल, जीप, कार, ट्रक, ट्रैक्टर, सारी चीजें मिलेंगी जो पालमपुर को रायगंज से कनेक्ट करते हैं, लाइक रिक्शा मिलेगा, तांगे वाला मिलेगा, जीप मिलेगी, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स मिलेंगे, पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बल कार्ट एंड बोगी आर द पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विस, हर टाइप के मिलेंगे, रिक्शा भी है, तांगे वाला भी है, बोगी है, बुल कार्ट भी है, जो आपको पालमपुर से कहाँ पहुंचा सकता है, रायगंज। आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके जल्दी पहुंचना चाहते हो तो आप बस से जा सकते हो, आपके पास जीप है तो जीप से जा सकते हो, ट्रक से जा सकते हो, तांगे वाले या रिक्शे वाले के थ्रू आप जा सकते हो, बुल कार्ट में बैठ के जा सकते हो। तो मतलब देखो ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रायगंज और पालमपुर को कनेक्ट कर दिया, जिससे रायगंज तक पहुंचना ईजी हो गया। जिस जगह पर ट्रांसपोर्ट नहीं होता वहां की डिस्टेंस जो होती है वो बढ़ जाती है, बट जिस जगह ट्रांसपोर्ट होता है वहां की डिस्टेंस क्लोज हो जाती है, क्योंकि उस डायरेक्शन तक पहुंचने के लिए हमारे पास इजी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है द फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर दी फॉर इट। जो फेरी पीपल थे एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू, अब गुड्स को आपको एक से दूसरी जगह पहुंचाना है तो उसके लिए भी क्या है, आप इजिली जा सकते हो। अब ट्रांसपोर्ट अगर नहीं होगा, मान लो आपको होलसेल का सामान उठाकर लेकर आना है रायगंज से, अगर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है तब आप कैसे आओगे, तो प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता, बट यहाँ पर क्या था, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल था तो इजिली आप वहां से कहाँ आ सकते थे, अपने गाँव आ सकते थे, या गाँव से आपको रायगंज जाना है तो आप वहां जा सकते थे, बच्चों को हायर स्टडी के लिए किसी टाउन में जाना है तो वो डेली अप डाउन कर सकते हैं, क्योंकि पालमपुर में क्या था, सिर्फ हाई स्कूल था, उनको ग्रेजुएशन करनी है, कॉलेज करना है तो उनको किसी टाउन में जाना पड़ेगा, अब गांव है सारी चीज तो वहाँ अवेलेबल होगी नहीं, तो उसके लिए उन्हें दूसरी जगह पर जाना ही पड़ता और ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो कैसे जा पाते, बट यहाँ क्या था, उनके लिए ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल था, फेरी चलती थी जिसके थ्रू आप गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इजिली पहुंचा सकते थे। ये देखो सामान भर के जा रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर हैज ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, और कुछ टाइम से ऐसा हुआ है कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, लोग ज्यादातर अब इसे जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है हमारा इसको टर्शरी बोलते हैं या फिर सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें हमें सर्विस प्रोवाइड होती है, हम बैठ के एक से दूसरी जगह जाते हैं तो क्या मिल रही है, हमें सर्विस ही तो मिल रही है, तो ये जो सर्विस सेक्टर है ये लास्ट कुछ सालों से बहुत ज्यादा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ग्रो किया है इस सेक्टर में। उससे पहले ट्रांसपोर्ट सेक्टर था बट इतना ग्रो नहीं कर रहा था जितना कि लास्ट कुछ ईयर में ये ग्रो कर गया है। ओके, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर आपको कैसे डेवलप कर रहा है ये क्लियर हो गया होगा इजिली, क्योंकि लोगों को सर्विस ज्यादा पसंद आ रही है और लोग किसी दूसरे का वेट कर रहे से अब लास्ट कुछ ईयर से क्या है, जो उनके पर्सनल व्हीकल है ना वो उसका बहुत ज्यादा ग्रो किया है, क्योंकि लोग
खुद के ही व्हीकल से जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, और प्राइवेट गवर्नमेंट एंड पर्सनल व्हीकल सारे के सारे ही इंक्रीज हुए हैं। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर किसी ही एक ही सेक्टर में ज्यादा ग्रो हुआ है, हर सेक्टर इंक्रीज हुआ है। तो ये था आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर, और इसी के साथ ही आज का ये जो चैप्टर था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर ये भी फिनिश होता है। ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और बाकी अगर आपको से पहले की सारी वीडियो है उनमें भी आप कमेंट कर सकते हो। इसको पढ़ लीजिए, नोट्स को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको देखते हुए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर ही दिया करो यार, ठीक है। ट्रांसपोर्ट आपको क्लियर हो गया होगा, सिंगिंग था, शॉपकीपर्स क्या होता है, आप लोगों के हर गली में हर मोहल्ले में एक ना एक शॉप होती है जिसपे हमारी जो नीड्स के अकॉर्डिंग सारा का सारा जो गुड्स होता है वो अवेलेबल होता है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर बिजनेस, जो छोटे छोटे घरों में लोग काम करते हैं वो होता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर बिजनेस। और देन उसके बाद में है डेयरी फार्मिंग, डेयरी तो हर एक गली के कोने पे मिल जाएगी जहां से हम अपने लिए सामान दूध वगैरह लेकर आते हैं। तो चलिए फिर एक मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए से चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।